हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर हट। एंड आज हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का फिफ्थ लेक्चर है। एंड आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनको हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ एंड देखते हैं कि कितनी तरह के होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। तो ये मेरा कोडिंग फोल्डर है, आप इस कोडिंग फोल्डर को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस कोडिंग फोल्डर को मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूं। एक न्यू फाइल हम यहां पे बनाते हैं, t5, जो हमारा ट्यूटोरियल 5 है उसके लिए t5.js। एंड यहां पे हम देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। मैं अपनी इस फाइल को यहां पे लिंक कर देता हूं एंड इसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर देता हूं। तो हम यहां पे देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो फर्स्टली अगर हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेटा टाइप्स में दो तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है डेटा और दूसरा आ रहा है टाइप। कि हमारे जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई भी डेटा ले रहे हैं तो उसका टाइप क्या है, तो उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए वो किस टाइप का डेटा है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक वार कीवर्ड से एक ए में एक वेरिएबल में एक वैल्यू देता हूँ 50। तो नाउ अगर हम इसकी बात करें, 50 की बात करें, तो ये किस तरह का डेटा है, हम यहाँ पे ये देखते हैं। अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो ये जो 50 है एक नंबर डेटा है। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में इसका टाइप, जो इसका टाइप क्या है वो मुझे पता करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस वेरिएबल को document.write करवा दूंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि document.write हम किसके लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक ए वेरिएबल को पास करके सेव करूंगा, देन मेरे को यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर मैं यहाँ पे इसी वेरिएबल के आगे लिख दूं टाइप ऑफ और एंड देन स्पेस दे दूं, तो ये टाइप ऑफ एक फंक्शन है या एक कीवर्ड है जो यहाँ पे क्या करेगा, इस ए का मुझे टाइप बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देन ये मेरे को बता रहा है कि आपका जो ये 50 है ये एक नंबर टाइप का है। तो जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है यहाँ पे नंबर। तो अगर हम यहाँ पे 50 की जगह यहाँ पे कुछ और नंबर पास करते हैं, लाइक मैं 50.3 पास करता जो एक डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे अगर मैं अभी सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर ही दिखाएगा इसका टाइप। ये हमारा पहला डेटा टाइप है। दूसरे डेटा टाइप की तरफ चलते हैं हम। और अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, इसको सेव करता हूँ एंड देन देखता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा है। ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, हमने इसके बीच में जो लिखा है वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि अगर मैंने डबल कोट्स में कोई डेटा लिखा है तो वहां पे वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को, ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया, अगर आपने पहले वाली सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से उस सीरीज को देखें, आपको हर एक ट्यूटोरियल में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर पास कर देता हूँ, तब भी इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग ही बताएगा। अब क्यों यहाँ पे ये स्ट्रिंग बता रहा है इसका टाइप, बिकॉज हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कुछ भी पास करते हैं, अगर वो कोई नंबर हो या कोई नाम हो या कोई एड्रेस हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही बताएगा। तो चलते हैं यहाँ पे हम अपने तीसरे डेटा टाइप की तरफ। यहाँ पे तीसरा डेटा टाइप है, मैं यहाँ पे एक एरे पास करता हूँ, एरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करते हैं। अब एरे क्या होता है इसके लिए मैं आगे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। एरे कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सेम एलिमेंट्स का कलेक्शन कैसे, कि अगर मुझे तीन नंबर्स पास करने हैं, जैसे तीन स्टूडेंट्स के मेरे को नंबर पास करने हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने पहले के यहाँ पे नंबर दे दिए, कोई ए स्टूडेंट है जिसके नंबर है 60, मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी जिसके मैंने यहाँ पे नंबर पास कर दिए 50, एंड एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पे सी जिसके मैंने नंबर पास कर दिए 40। यहाँ पे हमने तीन स्टूडेंट्स के नंबर ले लिए हैं, यहाँ पे भी तो ये टाइप बता रहा है, मैं टाइप की जगह नंबर्स को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बी को एंड सी को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे हम इस तरह से तीनों नंबर्स को प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन
यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अभी तो मुझे सिर्फ तीन स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवाना था, तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बना लिए, बट अगर हमें यहाँ पे तीन की जगह 300 का डेटा स्टोर करवाना होता तो हम क्या करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे हम एरे का यूज करते हैं। तो एरे को हम डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर मैं तीनों को पास कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट का डेटा पास कर देता हूँ 60, 50 एंड देन 40। मैं सेव करूंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं इस एबीसी को यहाँ पे हटा के अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ सेव करता हूँ ए को ही। यहाँ पे मुझे ये तीनों का डेटा दे रहा है, अभी तीनों का डेटा दे रहा है। मान लो मेरे को सिर्फ पहले का डेटा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे हम एरे की इंडेक्सिंग करेंगे। अब एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है कि जो ये पहली पोजिशन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जीरो पोजिशन है। जो एरे होते हैं वो हमारी जीरो पोजिशन से स्टार्ट होता है। ये जीरो पोजिशन पे 60 पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 50 पड़ा है, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 40 पड़ा है। तो मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूंगा मुझे सिर्फ 60 देगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा यहाँ पे मुझे 50 देगा। तो ये हमारा एरे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, ये एक एरे है, अभी ये मुझे क्या पास कर रहा है, नंबर, कि आपने नंबर डाला है यहाँ पे। फिर मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे के एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मतलब मैंने एरे में इस 50 को सिलेक्ट किया क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग में 1 पड़ा है। लेकिन मैं अगर पूरे के पूरे एरे को सिलेक्ट कर लूं यहां पे इस तरह से ए लिखकर, और मैं सेव करूं, यहां पे ये है, ये एक एरे है, इसका टाइप एक एरे है, बट यहां पे एरे ऑब्जेक्ट यहां पे शो करता है, हमारे को टाइप इसका ऑब्जेक्ट शो करेगा, लेकिन यहां पे ये क्या है, एरे है। तो यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा फोर्थ टाइप है वो हम यहां पे देखते हैं। तो मैं पर सेव कर लेता हूं इसको नॉर्मल, एंड देन मैं यहां पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करूंगा। तो मैं यहां पे सेव करूंगा, देन ये मेरे को एक टाइप दे रहा है अनडिफाइंड। इसका मतलब यहां पे ये है कि जो इसका टाइप है इसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया, सिर्फ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या हमें शो करेगा, अनडिफाइंड शो करेगा। यहां पे चलते हैं अपने फिफ्थ डेटा टाइप की तरफ, जो कि यहां पे है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां पे डिफाइन करने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मुझे यहां पे कर्ली ब्रेसेस की नीड होगी। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एरे को पास किया था वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 60, 50 एंड 40। यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है मुझे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कॉमास को रेड कलर का शो कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी 60 एनी कॉलन एक्सपेक्टेड। ये बोल रहा है आपको कॉलन की कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने कुछ सिंटेक्स गलत लिखा है। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग हम एरे से थोड़ी सी अलग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे तीन यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा पास करना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सुमित कॉलन 60। तो सुमित है उसके मार्क्स यहाँ पे 60 है, इसकी इंडेक्स अब यहाँ पे किससे होगी, सुमित से होगी। देन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सौरभ, एंड देन यहाँ पे हम कॉलन डाल देते हैं, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डेटा को पास किया है, इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को पास किया एक ऑब्जेक्ट में। ये मेरे को क्या दे रहा है, इसका टाइप ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो चलते हैं हम अपने सिक्स्थ डेटा टाइप की तरफ, जो कि यहां पे है बूलियन वैल्यू। अब बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स, दो तरह की हमारी बूलियन वैल्यू होती है। अगर मैं यहां पे पास कर दूं ट्रू एंड देन इसका टाइप देखो तो यहां पे मेरे को देगा ये बूलियन। मैं फटाफट से रिकॉल करते हैं, मैं सारे ही वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं एक बी वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं पास कर देता हूँ 3। एक और वेरिएबल बनाते हैं सी, जिसमें मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ ताकि ये मेरे को अनडिफाइंड दे। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ डी, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सब्सक्राइब, देन हम यहाँ पे पास करते हैं वार, और इसमें मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक ए को 60, 50, एंड लास्ट में हम पास कर देते हैं एक और वेरिएबल जिसमें पास कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ पास कर देते हैं सुमित कॉलर 60, सौरभ कॉलर 50। यहाँ पर मैंने सारे के सारे कर लिए, और अब हम इनको क्या करवा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा देता हूँ मैं। कॉन्सोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ फटाफट से सबको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, एंड हम सबको अलग अलग करवा लेते हैं यहाँ पे बी सी डी ई एंड एफ।
मैंने यहाँ पे सेव किया, मैं इसके इंस्पेक्ट में कॉन्सोल विंडो में जाकर देखता हूँ तो ये मुझे सब कुछ दे रहा है। पहले में दे रहा है मेरे को ट्रू। ओह मैंने यहाँ पे इनका टाइप में करवाया, मैंने सिर्फ इन्हीं को प्रिंट करवा दिया। मैं यहाँ पे टाइप ऑफ कर देता हूँ अब जाके, ताकि ये मुझे इनका टाइप दे। सेव करता हूँ एंड अब ये मेरे को सबका टाइप दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा जो ट्रू है उसका यहाँ पे टाइप दे रहा है बूलियन, दूसरा हमारा टाइप है यहाँ पे नंबर, तीसरा टाइप है अनडिफाइंड क्योंकि हमने सी को सिर्फ डिफाइन किया, हमने उसको वैल्यू नहीं दी। उसके बाद हमारे पास सब्सक्राइब मतलब स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 60 एंड 50 जो कि एक ऑब्जेक्ट है मतलब एरे है लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो एक ऑब्जेक्ट है, एंड लास्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।